वो अपना रिश्ता हुआ माँ को लगता है कि उनकी मर्जी से हुआ है। ये मुझे भाई के कमरे से मिला, वो भी डस्टबिन में पड़ा। लो, हो गई आपकी रस्म पूरी। ये रहा तेरी पवित्रता का सबूत। मैं कोई चरित्रहीन नहीं हूँ। आग भड़कने से पहले ही आग को बुझा डालेंगे। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। दो साल पहले सोचा था कि हम दोनों शादी कर लेंगे। मैंने तो कभी नहीं सोचा था। कोई तो नहीं है? उन लोग को थोड़ी पता है कि लव मैरिज कर रहे हैं। कम से कम एक दिन तो दो दिन जैसे बिहेव करो। मुझे नहीं करना। अरे लेकिन तुम्हें याद है कि हम जब पहली बार मिले थे, लेकिन मुझे तो नहीं पता था कि हमारी शादी होने वाली है। मैं तुम पर कितना भड़की थी। तुम्हारी वजह से ही मेरी स्कूटी जाके उस कार वाले से लड़ गई थी। सब याद है मुझे। सारा गुस्सा तुमने मुझ पर निकाल दिया था। लेकिन मैं ना तुमको देखता ही रह गया था। वैसे अपना सफर इतना आसान भी नहीं था ना। हाँ यार, अपने परिवार को बनाना ना सबसे टफ था। इन लोग को लव मैरिज हजम नहीं होते ना। ऐसे मानना पड़ेगा। क्या पासा फेंका है तुमने। हाँ, कैसे लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदल दिया। सब मान गए। अरे तुम्हारा पति हुई है। पता है माँ को मनाना हो ना तो उनकी तरह सोचना पड़ता है। वो अपना रिश्ता हुआ माँ को लगता है कि उनकी मर्जी से हुआ है तो वो खुश। हम दोनों को जिंदगी भर का साथ मिल गया तो हम खुश। अरे क्या करता है, कितनी देर लगाता है दरवाजे को। बहू थोड़ा उठो तो, उठो जल्दी, उठो उठो। हे भगवान, जल्दी जल्दी उठो। इतनी बड़ी रस्म हमारे दिमाग से कैसे निकल गई। अरे मैंने मम्मी से कहा था कि वक्त रहते चादर डाल दो, लेकिन नहीं, उसको खिलखिलाज ने फुर्सत मिले तब ना। अरे पकड़ना, मुंह क्या देख रहा है। देर हो रही, पीछा पीछा उसको पीछा। अब ठीक है, अब तुम दोनों खुशी खुशी अपने नए जीवन की शुरुआत कर। हा? अरे हाँ बहू, मैं सवेरे जल्दी आऊंगी, जल्दी उठ जाना। हाँ जी माँ। यार हमने तो इस रस्म के बारे में सोचा ही नहीं था। यार तुम्हारे घर वाले अभी भी ये सब मानते हैं? माँ को जानती हो ना, पुराने ख्यालात की हैं। और माँ ही नहीं, हमारा पूरा समाज इस रस्म को मानता है। यार श्याम कैसे होगा अब, माँ जी को लगता है हमारी अरेंज मैरिज है, लेकिन हम तो पिछले दो साल से एक साथ हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, मतलब ये रस्म पूरी कैसे होगी? बीवी टेंशन के ले रही है, हमारा पति है। जैसे तुम्हारे पति ने शादी की प्रॉब्लम यूं सॉल्व कर दी ना, वैसे ही देखना ये प्रॉब्लम यूं ही सॉल्व कर दूंगा। और अब ना तुम उस रात को बर्बाद मत करो। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक कर दूंगा सब यार। उठो। क्या है यार इतने सुबह सुबह उठा क्यों रहे हो? अरे उठो ना यार। क्या है? जल्दी उठो जल्दी। क्या हुआ? अरे उठो तो यार, उठो उठो। ओ बहू, अरे दरवाजा खोलो। क्या कर रही बहू? खुश रहो खुश रहो, हमने कहा था ना कि जल्दी उठ जाना। जी माँ जी। हाँ ठीक।
अरे मेरा बच्चा, अरे मुन्नी जल्दी से मिठाई बांटो, आज बहू की मुंह दिखाई है, किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। लो मुझे दे बेटा। लो, हो गई आपकी रस्म पूरी। हाँ। जल्दी से तैयार होके आ जाना। तो ये था तुम्हारा सोल्यूशन? अरे यार, माँ जी को पता चल गया तो? अरे यार, ऐसे कैसे पता चलेगा? तुम ना बहुत ज्यादा ही सोचती हो। जाओ जाके रेडी हो जाओ, आज मेरी बीवी की मुंह दिखाई है। सुना नहीं तुमने माने क्या कहा? अरे जाओ। चाची, आपकी बहू तो बहुत खूबसूरत है, बधाई हो, अब तो आप राज करोगे। वो तो हम राज करेंगे भाई, लेकिन हमारी मुन्नी का भी ब्याह हो जाए ना तो हम जाके गंगा नहाएंगे। हाँ। अरे वो भी हो जाएगी। बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है मैंने इसके लिए। सही? नमस्ते मामा जी, आप ही का इंतजार था। मैंने तो माँ को कितना पूछा कि आप शादी के बाद तुरंत क्यों चले गए, माँ बताती नहीं है। अरे तेरे मामा पे और भी बहुत सारे काम रहते हैं, कोई निपटाने गया था लेकिन एक दिन में लौट आया। हाँ जी जी, ये लो तोहफे तुम्हारी बहू के लिए। हाँ, अब जल्दी से बहू को आशीर्वाद भी दे दो। हाँ। अब बहू, ये श्याम के मामा है, इनसे आशीर्वाद ले लो। जी माँ। अरे ऐसी ठीक है, क्या सदा सौभाग्यवती रहा। ठहरो ठहरो, शगुन भी तो होता है। अब समझा जिज्जी क्यों पैर छुलवा रही हो। ये लो भाई, मुंह दिखाई। ये लो ये लो, ये लो। अरे मामा है तुम्हारे, क्या है इसमें? अच्छा बेटा, ये सफेद चादर है ना, जाके छत पे फैला दो ताकि रस्म भी पूरी हो जाए। और आप लोग चलो चलो नाश्ता करते हैं। चलो चलो भैया। हाँ, हाँ। नाश्ता करने जाते। हाँ। लेकिन जा बेटा। क्या बात है, आज तो मेरा चांद कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। तुम इतना नॉर्मल कैसे रह सकते हो श्याम? मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा है। अरे यार, तुम ना तुम बहुत ज्यादा सोचती हो यार, इतना नहीं सोचा करते। सुनो ना, सॉरी ना। क्या कह रहा था राकेश? जी, 10 लाख रुपए दहेज में लग जाएंगे, पर घर परिवार बहुत ही अच्छा है। हमारी बेटी राज करेगी, राज। माँ, माँ, ये देखो। अरे क्या, पूरा घर कुछ सेट हो? सही, क्या है? लालिंक। ये क्या पकड़ रखा है तूने? ये मुझे भाई के कमरे से मिला, वो भी डस्टबिन में पड़ा। इससे तुझे क्या दिक्कत है? अरे मामा जी, हमारे घर में कोई इंक वाला पेन क्या पेन तक यूज नहीं करता, और ये तो कभी घर में मैंने पहले देखा ही नहीं है, वो भी लाल इंक है। माँ, समझ रही हो आप?
ये कहना क्या चाह रही? लो, हो गई आपकी रस्म पूरी? हाँ। मैं समझ गई ये क्या कहना चाह रही है। अरे जी, अरे जी सुनो तो, कहाँ जल्दी जी? शाम शाम। अरे जी बात सुनो। कहीं से फोन की घंटी? ये दोनों तो शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे और तुम कह रही थी कि तुमने लड़के ढूंढी है? कमला देवी से इतना बड़ा धोखा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। लो लो लो, आ गए आ गए आ गए। माँ जी ये सब? माँ क्या हुआ ये सब? इस औरत के लिए तूने अपनी माँ को धोखा दिया? अरे शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? माँ नहीं, मैं तो वो तुझे क्या लगा? अरे घर वाले तो है ना, था उन्हें बेवकूफ बनाना कौन सी बड़ी बात है ना, यही सोचा था ना तूने? और तू तो बहुत खुश हो रही होगी। अरे मेरे सीधे साधे बच्चे को तूने बेवकूफ बना दिया, उसकी बुद्धि ब्रश कर दी तूने। अरे देख मेरे बच्चे को, इसकी हिम्मत नहीं होती थी मेरे सामने ऐसे आंख उठाकर बात करने की, आज तेरी वजह से ये सब कुछ कर दिया उसने। चले चंदा चले। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। और कितने के साथ प्यार रचा चुकी है बोल तू? कितनों के साथ प्यार रचा है तूने? मुन्नी ये रहा तेरी पवित्रता का सबूत। इसके बारे में कुछ कहना है? तुझे क्या लगा कि खेल रचाकर सफेद चादर पर एक डाल के तू कमला देवी को बेवकूफ बना देगी? हाँ, तू जैसी चरित्रहीन लड़की से हमारा वंश आगे बढ़े इससे पहले मैं अपने बेटे का भविष्य बिगाड़ दूँ, समझी तू? ले पकड़, चल निकल। मैं एक बार रुको ना। चुप, एकदम चुप। ले जा अपना साजो सामान और अपनी ये मनु शक्ल ना फिर कभी मुझे नहीं दिखाना। चल दफा हो यहाँ से। जिस मंशा से तो घर आई थी ना, तो कमला देवी कभी पूरा नहीं होने देंगी, समझी? चल निकल, ले ये सामान और ये सामान लेकर निकल यहाँ से और अपनी मनु शक्ल मुझे कभी नहीं दिखाना। चल जा यहाँ से। चुप, खबरदार जो मेरे बेटे का नाम भी लिया तूने, एकदम चुप। चल अंदर। श्याम, मैंने कहा चल अंदर। श्याम रुको, श्याम। श्याम,
तुम यहाँ? श्याम, ये सब क्या हो रहा है? माँ जी ने मुझे घर से बाहर कर दिया, समझाओ उन्हें, रोको उन्हें। शांत हो जाओ, तुम टेंशन ना लो, मैं समझाता हूँ उनको। तुम्हें पहले ही समझाना चाहिए था ना उन्हें, रोकना चाहिए था ना। तुमको पता है ना माँ का, अरे गुस्से में किसी की नहीं सुनती है वो। थोड़ा टाइम बीत जाने दो, मैं खुद उनको समझाऊंगा। थोड़ा टाइम, तब तक मैं क्या करूंगी शाम, कहाँ जाऊंगी मैं? यही बात करने आया था मैं तुमसे। देखो मुझे लगता है कि तुम थोड़े दिन के लिए मायके चली जाओगी तो अच्छा रहेगा। सुरीप, ये समझने की कोशिश करो, माँ को हमारे झूठ के बारे में पता चल गया है। अभी गुस्से में पता नहीं क्या अनाप शनाप बोले जा रही है। मुझे थोड़े दिन तो दो, मैं उनको समझाऊंगा जाकर। इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम चली जाओ थोड़े दिन मायके, जैसे ही मामला ठंडा होगा ना मैं तुमको खुद मान। एक मिनट क्या मुझे ये बताओ, हमारा झूठ या तुम्हारा झूठ? मैंने तो हमेशा मना किया था ना तुम्हें कि प्लीज श्याम मत करो ये सब, मत बोलो झूठ, तो तुमने मेरी एक नहीं सुनी। और जब आज तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो क्या हुआ? तुम्हारा कुछ नहीं गया और मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया। तुम आज भी अपने परिवार के साथ मजे से जी रहे हो और मैं, मुझे यहाँ घर से बाहर फेंक दिया। नहीं श्याम, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सुना तुमने, मैं यहीं रहूंगी। ये सब तुम्हारा किया हुआ है, इस सिचुएशन को तुम ही संभालोगे। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुमने देखा है माँ को भी? क्यों यहाँ पे बैठ रही हो यार? मुझे नहीं समझना श्याम, जाकर अपनी माँ को समझाओ कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। और तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है श्याम, अगर आज मेरे चरित्र पर कलंक लगाए ना तो मैं बहुत टाइम तक चुप नहीं बैठूंगी। पर बहुत टाइम नहीं है तुम्हारे पास, याद रखना इस बात को। जो कुछ हुआ ना हो गया, भूल जाओ उसे भैया। आज के बाद उसका नाम इस घर में लिया नहीं जाएगा, बस। नाम तो तब लिया नहीं जाएगा ना जब घर से कोई गया हो, पर अगर घर से कोई गया ही ना हो तो? मतलब? ये अभी तक गई नहीं, यही है। इसकी तो बहुत ही मोटी चबड़ी है भैया। चलो तू अभी तक गई नहीं, मैंने कहा था ना अपनी मनुष्य शक्ल लेकर मेरे घर से चली जा। माँ जी आपने तो पहले ही निकाल दिया। वाह, इसकी तो एक रात के अंदर जबान भी चलने लगी। मैं तो बोलना चाहती थी पर आप लोगों ने बोलने ही कहा दिया। माना हमसे गलती हुई है पर झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं था माँ जी। वो तो श्याम ने बोला कि आपके घर में लव मैरिज मानी नहीं जाती, तो वो जैसा जैसा बोलता गया मैं करती गई। माना गलती हुई है हमसे, मैं आके आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर भी पकड़ती हूँ माँ जी, पैर भी पकड़ती हूँ आपके, पर प्लीज मुझे घर से मत निकालिए माँ जी, प्लीज मत निकालिए घर से मुझे। उठ, जब सारा भांडा फूट गया तो सारा इल्जाम मेरे मासूम बेटे पे लगा दिया। हाथ अड़ाइए आप अपना, मैं कोई चरित्रहीन नहीं हूँ, समझिए आप। अगर मुझे मेरे जिंदगी में किसी ने छुआ है ना तो सिर्फ वो आपका बेटा श्याम है। माना मैंने गलती की है, पता है वो गलती क्या है? आपके बेटे पर मैंने खुद से ज्यादा भरोसा किया। पूछिए जाके अपने बेटे से। और रही मेरे यहाँ से जाने की बात, तो मैं कोई सामान नहीं हूँ,
जो आपका मन हुआ आप मुझे बाहर फेंक देंगे। हक है मेरा, बहू मैं आपकी, मुझे आप बाहर नहीं निकाल सकती। मैं अपना हक तो लेके ही रहूंगी। नींद हराम करके तो यहाँ आराम से सोया है नालायक। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? तेरी बीबी घर के बाहर डेरा जमाए बैठी है और तेरी माँ को कितना कुछ सुनाया उसने। क्या हुआ? अब क्या सुनाया दिया? मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा कि मुझे लड़की कह रही, वो सच कह रही है क्या? बता मेरे को, बता मुझे। अरे जब अपना ही सिक्का खोटा है तो किसी और से क्या कहना। माँ भाभी को अंदर लेके आओ। फिर कोई जरूरत नहीं है। जो लड़की अपने संस्कार भूल जाए वो हमारे घर की बहू कहलाने की लायक ही नहीं है। पर माँ आपको सब पता तो है। तूने जो करना था कर चुका, अब तू वही करेगा जो तेरी माँ तुझे कहेंगी। मेरा फैसला है कि वो लड़की इस घर में कभी नहीं आएगी। बात समझ में आई? मामा आप समझाओ ना माँ को। तुम तो कमला चाची की बहू हो ना, इस सामान के साथ घर के बाहर क्यों हो? क्या हुआ, घर से निकल दिया क्या? हेलो, अरे वो कमला देवी है ना, उसकी बहू घर के बाहर बैठी है सामान के साथ। हाँ आजा, तुझे भी दिखेगा। वो हम कुछ नहीं जानते। बेहतर होगा ना कि आप अपनी बहन से खुद पूछी कि आखिर उसे हमने घर से बाहर क्यों निकाला। हाँ देखिए, हमने आपको फोन कर दिया है, आप उसे आकर ले जाइए, बाकी आपकी मर्जी। जी तुम्हें क्या लगता है उसके मायके वाले उसे लेने के लिए आएंगे? अरे अपनों को देखकर तो उसे जाना ही होगा, उसके घर वाले उसे बाहर तो नहीं बिठाएंगे ना राकेश। हाँ जबरदस्ती ले जाएगी उसे। माँ कुछ तो करना होगा इनका। पता है मेरी फ्रेंड का भी कॉल आया था, पूछ रही थी कि हमने भाभी को घर के बाहर क्यों बिठा कर रखा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं? लो अब भाभी बातें शुरू हो गई। ये अपने साथ साथ हमारी भी बदला भी करवा के मानेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा राकेश, तुम बस एक काम करो, शाम को घर से बाहर मत निकलने देना, उसमें नजर रखना, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, सब देख लूंगी। सूरी, सूरी क्या बात है, क्या हुआ है? भैया आप यहाँ? हाँ तुम्हारी सास ने फोन करके बताया था। अब वो ये पैतरा आजमा रही है मुझे घर से बाहर निकालने के लिए। मतलब? भैया वो मेरे सास ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तुझे क्या लगा ये खेल रचाकर सफेद चादर पर एक डाल के तू कमला देवी को बेवकूफ बना देगी? भैया जिसके साथ मैंने साथ फेरे लिए, सात जन्म साथ रहने का वादा किया, उसने आज मुझे बीच रास्ते पे छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। तरह से कैसे ये लोग सब सारी बातों का इल्जाम तुझ पर डाल सकते हैं? और ऐसा ऐसा सलूक तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता है। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। भैया भैया रुक जाइए। नहीं, इन लोगों ने मेरे चरित्र पर दाग लगाया है, इसे मुझे ही साफ करना होगा। आप जाइए यहाँ से।
ये लड़ाई मेरे अकेले की है, मैं अकेले लड़ूंगी। किंतु ऐसे कैसे और कब तक बाहर बैठी रहेगी? भैया जब तक ये लोग मुझे इज्जत के साथ घर में वापस नहीं बुला लेते। तुझे लगता है ये होगा? ये वो लोग नहीं है जो लड़कियों की इज्जत करते हैं। अगर ऐसा होता ना तो ये सब करने से पहले 100 बार सोचते, तुझ पर सवाल उठने से पहले तेरा पति सबके मुंह बंद कर देता। लेकिन वो अपनी माँ के आंचल में छुपा बैठा है। फिर तुझे क्यों वापस जाना है इस घर में? भैया ये लड़ाई घर में वापस जाने की नहीं है, ये लड़ाई मेरी इज्जत वापस पाने की है। अगर आज मैं चुपचाप रही और इनके लगाए सारे इल्जाम लेकर मैं आपके साथ वापस चली गई तो सब इसे सच मान बैठेंगे। नहीं भैया, मुझे मेरी इज्जत वापस चाहिए और इसे मैं पाकर रहूंगी। बेटा कैसे, कब तक दोबारा बैठी रहेगी? भैया आप मेरी फिक्र मत करिए, कुछ नहीं होगा मुझे, अब प्लीज जाइए, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज जाइए यहाँ से। अच्छा कोई फोन अपने पास रख, और याद रखना तेरा भाई सिर्फ एक कॉल की दूरी पर है, तब तो बेसहारा मत समझना। ले दूध पी ले। माँ प्लीज ऐसा मत करो, मत बांटो मुझे। माँ सूरी मेरी पत्नी है, प्यार करता हूं मैं उससे, वो सिर्फ मेरी है, मैं जानता हूं उसको। माँ प्लीज, माँ उसको वापस ले आओ ना प्लीज, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप जैसे कहोगे ना हम वैसे रह लेंगे, अगर आप चाहते हो तो जब वो वापस आएगी मैं उसको लेके किसी और शहर में चले जाऊंगा माँ, लेकिन प्लीज उसको वापस ले आओ ना। चुप, धोखेबाजी अगर नस में घर कर जाए ना तो इंसान सही और गलत करने का फैसला भूल जाता है। ए देख देख क्या बना के रख दिया तुझे, देख। अरे अपनी माँ से तू धोखेबाजी कर रहा है श्याम, अपनी माँ से। लेकिन मैंने जो फैसला लिया है ना मैं उस पर अटल हूं, और अगर तू उसके पास गया ना तो मेरा और मुन्नी का मरा हुआ चेहरा देखेगा तू, आगे तेरी मर्जी, समझा तू? जी, शाम नहीं आया अभी तक? आओ बैठो, खाना खा लो। माँ वो सूरी, चुपचाप बैठ के खाना खा लो।
बैठो। माँ ये बात ठीक नहीं है, वो बेचारी कितने टाइम से बाहर बैठी हुई है, और गलती तो हम दोनों ने की है ना, तो सजा सिर्फ उसको क्यों मिल रही है? माँ मुझसे रहा नहीं जा रहा, प्लीज उसको अंदर ले आओ। चल उठ। अरे माँ उठ, चल अंदर, चल अंदर, चल तू अंदर चल। सोचा अपनी बहन के बारे में? अरे वो कवारी है, उसकी शादी कैसी होगी कभी सोचा? तो दुनिया वालों को पता चलेगा कि तुम दोनों ने क्या गुल खिलाया है, तो कैसे समाज में मैं मुंह दिखाऊंगी, कैसे होगी इसकी शादी मुझे पता नहीं। मैं काम करूं, मुझे भी नहीं जीना है, मुझे अपने हाथों से मार दे मुझे। जब देखो सूरी सूरी सूरी, अरे पागल हो गया है तू? आज के बाद उस लड़की का नाम तेरी जुबान पे नहीं आना चाहिए। चल बेटो, चल चल। लोग जाग जाएंगे। आप इतनी रात को यहाँ कैसे? क्या है कि औरतें खुली हुई तिजोरी कितने होती है जब वो अकेली होती है, उसकी हिफाजत करने के लिए कोई तो चाहिए ना। देखो कितनी ठंड है यहाँ, कैसे रह पाती हो तुम वो भी इतने नाजुक शरीर के साथ? देखो मच्छर भी कितने हैं यहाँ पर, तुम्हें काट लेंगे। हाँ मैं ठीक हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा पति तुम्हारी फिक्र नहीं कर रहा है तो किसी को तो तुम्हारी फिक्र करनी पड़ेगी ना। वैसे तो तुम अगर कहो तो मैं जी से बात कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। मतलब? देखो तुम्हें अंदर तो आना ही है ना, है ना, है ना? छोड़ दो अपने पति को और आ जाओ मेरे साथ। अरे वैसे भी ऐसे पति के साथ रह के क्या करोगी जो तुम्हें छोड़ के आराम से सो रहा है? छोड़ दो उसको, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैं समझता हूं तुम्हारे और मेरे बीच में उम्र का फर्क है, क्या हुआ ये जो इंजस्टेड नंबर? तो क्या बोलती हो, आती हो मेरे साथ अंदर? बोलो आओगी, रहोगी मेरे साथ? बोलो आजो, आजो मेरे साथ, आजो आजो। निकल यहां से, निकल मैंने कहा। दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश की ना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैंने कहा निकल यहां से, निकल यहां से। देखिए ऐसी कोई बात नहीं, हमारी बहू है ना वो अपने मैके गई है।
नहीं, हमने सुना है आपकी बहू अच्छी नहीं है और आपने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। वो बाहर ही रह रही है सड़क पर। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको किसने कहा? गलत है सब, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए कमला जी, हमने आपके बारे में काफी सुना था, इसलिए आपकी बेटी के रिश्ते के लिए हाँ की थी। पर अब जैसे सुनने में आ रहा है, माफ कीजिएगा, हम ऐसे घर में रिश्ता नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरी बात सुनिए ना आप, ऐसे हेलो, ये लड़की तो जाल बनी हुई है। देखिए ना भाई साहब, चारों तरफ बदनामी हो रही है मेरी। तुम बदनामी के डर से इसे घर में मत घुसा लेना। पूरी जिंदगी राज करेगी इस घर के अंदर, तुम्हारा पल्ला हल्का हल्का हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कमला देवी, ऐसा कभी होने ही नहीं देंगी। सारी जिंदगी ऐसे ही बैठी रहोगी? कोई तो कदम उठाना होगा। मुझे पता है भैया क्या करना है। आग भड़कने से पहले ही आग को बुझा डालेंगे। जी, मेरी बात हो गई है, 1,00,000 रुपए लगेगा, तेरा सरदर्द हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। पैसे मिल जाएंगे भैया, बस काम पूरा होना चाहिए। आज तो बात करके रहूंगी शाह। हाँ। शाह, आग को भड़कने से पहले ही आग को बुझा डालूंगी। पैसे पूरे मिल जाएंगे भैया, बस काम पूरा होना चाहिए। कैसे लोग हो आप? और कितना करूं मैं? प्यार करता था मैं उससे, शादी करना चाहता था, किसी का नुकसान हुआ उसमें। वो सफेद चादर, वो इंक, सब मैंने किया था, मेरा प्लान था। सूरी ने तो मना किया था मुझको लेकिन मैंने नहीं सुना। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। हाँ बेटा, तुम शांत हो जा, हम लोग बैठ के बात करते हैं ना बेटा। अरे आप बैठ के बात करेंगी? आप उस दिन गिड़गिड़ाया था आपके सामने में, गिड़गिड़ाया था ना? आपको अपनी ईगो और झूठी शान के आगे कुछ नहीं दिखता है, समझ चुका हूं मैं। नहीं बेटा, नहीं ऐसे कुछ नहीं। आपने मुझे शर्मिंदगी में जीने के लिए छोड़ दिया है और वहां पे मेरी बीवी अपनी इज्जत के लिए लड़ रही है और मैं यहां कुछ नहीं कर पा रहा। आप लोग उसको मारो, उससे पहले मैं अपने आप को मारूंगा। अरे हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते बेटा। क्यों भैया, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। आप बेटा कुछ नहीं करेंगे। हाँ। ने, 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 भांजे, ये सब मेरी गलती है माँ। ये मुझे मेरी गलती की सजा मिल रही है। ऐसा मत कर बेटा, मत कर मुझे। नहीं बेटा, जैसे मेरी बीवी जी रही है ना लोगों का, जैसे उसको सुनना पड़ रहा है, अब मेरे मरने के बाद ही मेरा प्रायश्चित। नहीं 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 बेटा, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यही मेरी, हम सब ठीक कर देंगे, तू चिंता मत कर, तू कर दे बेटा, तू कर दे। यही मेरी सजा है। नहीं बेटा, नहीं ऐसा मत कर, ऐसे मत कर बेटा, मत दुख दे। नहीं नहीं, बाजी
माँ जी ये तो आपका बेटा है ना, कहिए ना उठ जाए माँ जी, कहिए ना उठ जाए। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, मैं कभी नहीं आऊंगी माँ जी, पर प्लीज कहिए ना उठ जाए। श्याम उठो ना प्लीज, श्याम देखो मुझे, श्याम उठ जाओ ना, श्याम श्याम। राकेश जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह आत्महत्या कैसे हुआ? इंस्पेक्टर साहब, ये है वजह, ये सफेद चादर। मैं कितनी संस्कारी हूं, इस सफेद चादर ने तय किया इस घर में। जिस रस्म की वजह से हम दोनों अलग हो गए, हमें प्यार करने की सजा मिली, मेरे पति के कहे गए दो झूठ की वजह से इन घर वालों ने उसे गुनाहगार मान लिया। वैसे भी उनकी सजा तो मौत की ही थी, क्योंकि उनकी माँ जो सब कुछ सह सकती है लेकिन समाज के आगे उनका सर झुके वो ये कभी नहीं सह सकती। वैसे भी जिस घर और समाज में ये सफेद चादर औरतों की इज्जत और चरित्र का सबूत हो, वैसे समाज और घर में कौन जी सकता है? कोई नहीं इंस्पेक्टर साहब, कोई नहीं। माँ जी आप जीत गई, आपको तो खुश होना चाहिए। मैं जा रही हूं इस घर से बहुत दूर, और साथ में आपके बेटे की निशानी भी। बहू, जिस पर आपका या इस घर में किसी का भी कोई हक नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं। रुक जा बहू, बहू ऐसे नहीं करते बेटा। बहू वापस आ जा, बहू मेरी हद, मेरा पोता उसके, मेरा पोता है। माँ, मेरे बच्चे की निशानी है उसके पास।